आप कैसे हमारे चैनल में अभी सभी का स्वागत। मैं अक्षय से आपसे फिर से इस वीडियो के माध्यम करूँगा ऐसे 5 पानी पीने के फायदे जो डेली रूटीन में आपको नहीं होने देंगे बड़ी बीमारियां। तो आपको चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल पर ऐसे ही बना रहना। चैनल का वीडियो बहुत ही लंबा होने जा रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे इसके फायदे। तो पहला फायदे है कि भाई लोग शरीर को संतुलित रखने में जरूरी में 60% पानी होता है और इसलिए ये स्वस्थ शरीर के लिए पानी खास भूमिका निभाता है। पाचन क्रिया और लीवर व यूनि लहर का उत्पादन करने से मदद करता है। शरीर को तापमान को भी संतुलित करने में काम पानी करता है। हड्डियों में 73% पानी होता है और फेफड़े में 83% पानी होता है। त्वचा 64% और किडनी में 31% और वहाँ तक कि त्वचा को 65% पानी होता है और हड्डियों में 31% पानी होता है। तो भाई लोग आप पानी पियेंगे तो अपना हृदय बचा पाएंगे, आप से जिंदगी दर्शा पाएंगे। हड्डियाँ कमजोर हो रही है इसकी वजह भी पानी ही कहाँ पड़े। पैरों के अपने पे ढाक डब्बे पिंपल्स आने लगे उसकी वजह आप पानी नहीं पी। तो भाई लोग दूसरा कारण है मांसपेशियों को मजबूत बनाने में पानी का सबसे बड़ा हाथ है। तो बस 75% पानी होता है तो मांसपेशियाँ ठीक काम करने में जरूर उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। मांसपेशियों को बचाना चाहिए इसलिए आपको जोड़ों का दर्द, किसी भी कमर का दर्द या कितनी भी दर्द होते हैं तो आपको जोड़ों का दर्द भी बचा पाएंगे। सभी तरह के दर्द मांसपेशियों में जो दर्द होता है उससे भी आपको बच पाएंगे। तीसरा है कि पाचन क्रिया को ठीक करें और कब्ज को दूर करें। तो किडनी ठीक से काम करने के लिए पानी जरूर ज़्यादा पीना चाहिए। शरीर में पानी की कमी होने से किडनी भी ठीक से काम नहीं करेगी। तो भाई लोग कब्ज ऐसा होता है कि आप कुछ भी खाने या कुछ भी पीने से आप कब्ज हो सकता है। आप ज़्यादा पानी नहीं पीते, खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा ही पानी पीते, इसका वजह से आपको कब्ज होने की संभावना। कब्ज को रोकने के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। इसका चौथा क्या फ़ायदा है, वज़न कम करने को पानी माना जा रहा है। चौथा ये है इसका कि वज़न आपका ज़्यादा हो गया तो उसको कम कैसे करें। जब आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जब आपकी किडनी ठीक से काम करना बंद कर देगी, वही लीवर प्रभावित होता है और शरीर में फैट बनने लगते हैं और शरीर में फैट बनने से लगते हैं। मोटापा पीने से मोटापा घटेगा, फ्लैट नहीं बनने देगा और किडनी और लीवर काम करना मोटापा कम होगा। किडनी लीवर काम करेगी तो मोटापा भी कम होगा। आप खाते पीते हो और लेट जाते हो, पानी की मात्रा नहीं पीते, इसलिए आपकी खाने के बाद आप पानी नहीं पीते, इसलिए आपका मोटापा भी बढ़ सकता है। मोटापा बचाने के लिए आपको सुबह उठकर 1.5 गिलास पानी पीना, डेली रूटीन में आपको कम से कम या सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए और मोटापा से भी कम हो सकता है और मोटापा नहीं बढ़ेगा। सबसे आखिरी इसका फायदा है वाटर रिडेशन में बचाइए पानी। कोई बार शरीर में वाटर रिडेशन हो जाती है, साधारण शब्दों में कहें तो कुछ कारणों के चलते शरीर के अंगों में अंग दुखने लगते हैं और किसी भी शरीर का दर्द होने लगता है। हमारी त्वचा पे पिंपल्स आने लगते हैं या हेयर ठीक से नहीं होते। मेरे को ये बता दें 64% सिर्फ स्किन के लिए या त्वचा के लिए होता है। खा जाए ज़्यादा पानी पिए, शरीर मेरी तरह ग्लो पाइए जो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, त्वचा में प्रॉब्लम नहीं होगी और शरीर में सब एक्टिविटी या पेट से आते हैं और सब एक्टिविटियाँ पानी से होगी। तो भाई लोग इसके नुकसान क्या क्या हम देखेंगे। एक पहला इसका नुकसान या कौन सा ख्याल रखना चाहिए। तो पहला नुकसान या साइड इफेक्ट ये इसका, एक दिन में आपको 9 से 13 कप पानी मर्यादित है, पानी के इतना मात्रा हाइड्रो दुष्परिणाम होते हैं। दूसरा इसका साइड इफेक्ट, आप बिना प्यास पर पानी पी रहे हो तो ये रोकना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कैन सोडियम मैग्नीशियम जो आपके कम हो जाए, जब आप ज़्यादा पानी पीते, जरूरत से ज़्यादा पानी पीते। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई आप बार बार पानी पियो, ऐसा कुछ नहीं, मर्यादित ही पानी पीना। सबकी इतनी भी ज़्यादा कुछ भी हो, ज़्यादा नहीं खाना, कुछ भी ज़्यादा पीना नहीं है आपको, सिर्फ मर्यादित जितना हो उतना ही पानी पीना है। तो फायदे की जगह नुकसान भी करने में पानी का जो बहुत बड़ा हाथ है। तो सोडियम मैग्नीशियम को संतुलित बिगाड़ देता है पानी ज़्यादा पीने से। इलेक्ट्रॉनिक इसका ये कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप बार बार पेशाब हो जाएंगे तो आपकी जो
और इन शक्तियों में कहूँगा आपकी एनर्जी होती है वो बार बार निकलती जाएंगी और आपका उसका कोई फायदा नहीं होगा, फायदा की वजह आपको नुकसान होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको पता होगा कि पेशाब का रंग बहुत तरह का होता है, आपको उनका पानी की बहुत ही कम हो रही है और पेशाब आता है तो पेशाब के माध्यम से आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, मर्यादित पानी पिए। पीने के बाद आपको प्यास लगी उतना ही पानी पी लीजिए, जो अपना पेट वो पानी को संभाल सके उतना ही पानी पी लीजिए। आप मर्यादित पानी पीते हो तो बहुत ही अच्छा होगा, अमर्यादित पानी पीते हो तो आपको नुकसान होगा। तो आपको फ़ायदों के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और कम से कम ही पीना चाहिए। तो भाई लोग बस इतना ही मेरे कहने में, आपको मेरा लाइक वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके हेल्प के लिए आपको मेरे चैनल पर बना रहे हैं।